आज की रेसिपी आप लोग को ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम छोटी मछली की रेसिपी लेके आए हैं जो एकदम क्रिस्पी बन के और अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमारे गांव में छोटी मछली बेचने वाला आया था, 100 रुपये किलो दे रहा था, यहाँ पर हम आधा किलो ले लिए हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी मछली है। अब इसको हम साफ कर लेंगे अच्छे से, जो इसका मोड़ी है वो निकाल देंगे और किनारे किनारे कपाट अच्छे से साफ कर लेंगे। देखिए अब इसको हम साफ कर लिए हैं 2-3 पानी से, और इसमें गेहूं का आटा डालकर साफ करेंगे तो इसका जो महक है वह जल्दी से निकल जाता है और अच्छे से साफ भी हो जाता है। अब इसका मसाला हम तैयार करेंगे। यहाँ पर हम सरसों ले लिए हैं, दोनों सरसों है, काला पीला दोनों है, और यहाँ पर हम लहसुन की कलियाँ डाल देंगे और छोटा अदरक का टुकड़ा लिए थे उसको काट कर डाल देंगे, और सूखी लाल मिर्च लिए थे 4 वह डाल देंगे, और काले मिर्च लिए थे वह डाल देंगे। यहाँ पर एक प्याज हम लिए थे स्लाइस कर कर डाल देंगे और ताकि अच्छे से पीस सके। अब देखिए मसाला हमारा पीस गया है। यहाँ पर हम सूखा मसाला भी डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाले हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, और यहाँ पर हम गरम मसाला डालेंगे चम्मच से नापे तो 2 चम्मच गरम मसाला है, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे, और सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर हम मेथी डालेंगे। आप चाहे तो सरसों का भी तड़का दे सकते हैं। जब मेथी थोड़ा सा लाल हो जाएगा, भुन जाएगा, तो जो मसाला हम तैयार किए थे वह डाल देंगे सारे के सारे। अब इसको हमें सारे के सारे मसाला डालकर अच्छे से मिला लेना है, तो अच्छे से मिलाते रहना है। देखिए सारे के सारे मसाला हमें मिला लेना है। आप ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से, रेसिपी बहुत आप लोग को भी पसंद आएगी। तो यहाँ पर हम 1 पैकेट गोल्डी मसाला लिए थे वह डालेंगे। आप चाहे तो और आपके पास मसाला वह भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम गोल्डी मसाला डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये भी मिल जाए अच्छे से, और हमारा मसाला भून कर अच्छे से तैयार हो सके। यहाँ पर हम जो कटोरी लिए थे उसमें थोड़ा सा पानी डालकर घोल लेंगे, और वो भी पानी डालकर अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से मिला देंगे ताकि हमारा मसाला है थोड़ा पानी डालेंगे तो अच्छे से मसाला हमारा भून सके। अब इसको हमें ढक कर 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो मसाला हमारा भून अच्छे से भून कर तैयार हो सके। अब हमारा मसाला भून चुका है, देखिए तेल छोड़ चुका है, अब मसाला हमारा भून चुका है। इसको अच्छे से हमें मिलाते रहना है, देखिए इसको हमें चलाते रहना है। अब जो यहाँ पर हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर धनिया का पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं, और अच्छे से मिला देंगे कसूरी मेथी को, और थोड़ी देर के लिए इसको भी भून लेंगे कसूरी मेथी ताकि अच्छे से मसाले अच्छे से भून सके। देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब यहाँ पर जो मछली हम धोकर रखे थे वो डाल देंगे सारे के सारे। और इसको अच्छे से हल्के हाथ से हमें मिलाना है, धीरे धीरे आस्ते से मिलाना है, और जल्दी जल्दी मिलाएंगे तो टूट भी सकती है, छोटी वाली मछली है, इसको हल्के हाथ से मिलाना है। इसको हमें चारों तरफ से अच्छे से मिलाकर फैला देना है किनारे किनारे, ताकि ये इकट्ठा नहीं बनता है। हम जैसे हम फैला कर बनाएंगे तो क्रिस्पी भी अच्छा से बन के तैयार होता है हमारा मछली। देखिए अब धीरे हल्के हाथ से इसको हम फैला लेंगे कढ़ाई में, ताकि जो मछली है अच्छा चिपके ना आपस में, थोड़ा थोड़ा दूरी पर गोल में फैला लेना है मछली को। देखिए फैला लिए हैं, इसमें हम एक भी पानी नहीं डालेंगे, ये मछली है छोटी वाली मछली है, खुद थोड़ा सा पानी छोड़ती हैं सब। इसको हमें धीमी आंच पे पकाना है। देखिए अब इसको फैला लिए हैं, अब इसको हमें ढककर 5 मिनट के लिए पकाना है, धीमी आंच पे पकाना है ताकि जो हमारी मछली अच्छे से बन सके पक सके। देखिए अब इसको 5 मिनट हो गया, ढक्कन हटा दिए, देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर भी गैस पर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा क्रिस्पी बनाएंगे तो इसको चारों तरफ से कढ़ाई घुमा घुमा कर हमें पका लेना है ताकि चारों तरफ से क्रिस्पी हो सके नीचे से मछली। देखिए चारों तरफ से हम पका रहे हैं, आप ज़रूर बनाइए। ये बहुत ज़्यादा दिन के बाद आया है मेरे गाँव में, ये बरसात के सीजन में ज़्यादा मिलता है। देखिए अब इसको अब ढक देंगे 2 मिनट के लिए, फिर से हमें इसे पका लेना है ताकि जो मछली अच्छे से बन सके। देखिए 2 मिनट हो चुका है, अब ढक्कन हटाएंगे, देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। अब गैस पर हम बंद कर दिए हैं यहाँ पर हम, अब इसको हम निकाल लेंगे कटोरी में सर्व करने के लिए। देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसको रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, ज़्यादा चावल के रोटी के साथ अच्छा लगता है, तो ज़रूर बनाइए मेरे तरीके से मछली, छोटी वाली मछली। तो यकीन करती हूँ आप लोग को पसंद आएगा, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।